ये फ्रेंड्स, हमारी मौसी कितनी केयरिंग है। हम लोग जा रहे हैं तो 5:30 बजे पराठे उन्होंने तैयार कर दिए कि नहीं नहीं खा करके जाओ। और देखो कितने सारे बना दिए, अभी तो भूख नहीं है, फिर भी मौसी ज़बरदस्ती। और कल भी ना फ्रेंड्स, कल भी हम लोग जा रहे थे, कल भी मौसी ने पूरी सब्जी तैयार कर दी बहुत जल्दी, और काफ़ी सुबह हो रही थी। फिर कल हम लोग घूम करके आए, उसके बाद में मौसी भी गई हमारे साथ, और फिर हम लोगों ने सूप पिया तो इतने मज़े आए ना, मौसी ने इतनी हंसी कराई, इतनी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मज़े आए थे हमें। मासी, आप ये किसके लिए बना रही हो? आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भूख लगती है, इसलिए रास्ते में खा लेती हूँ, गाड़ी में बैठ बैठ। ओह वाओ, एंजॉय करना आप लोग। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मंसूरी। देखो नीचे रोड दिखाई दे रही है। सुंदर नजारा है मसूरी का। अरे देखो घर कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, कभी टेढ़े कभी मेढ़े कभी नीचे कभी ऊपर, कैसे कैसे घर बने हुए हैं। यही सोबनो पर होने तो वीआईपी होटल, अरे होटल नहीं ना, वो गाड़ी नहीं, वो सोबनो पर ग्रीन चला रोड पर टिक करवे जाने, नहीं तो आवाज में कंफ्यूज है, ये नहीं सब पैसे मेरे डीजल बंद कर दे। हेलो, हाँ हाँ, बहुत ठंडी है यहाँ पे सच्ची में, इतनी भयंकर धूप निकली हुई है फिर भी जी में चैन नहीं है। ये देखो ये कितना सुंदर बना हुआ है यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स। ये अपन लोग थोड़ा सा रुके थे नज़ारा देखने के लिए, बाइक वगैरह आ रही ना बस, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं यहाँ पे।
मेरे पापा हमारे लिए जी तो ले लो सब नहीं इसकी थोड़ी ना कह रही हूँ मैं माता हमारे लिए तो कुछ होना चाहिए खांसी जी तुमने खांसी है भैया खांसी है काय नहीं नहीं तो थोड़ी देर सोने आज की पार्टी पापा जी की तरफ से अच्छा हाँ ये जो पहाड़ वाइट दिख रहे हैं ना ये देखो कहीं कहीं ग्रीन ग्रीन है जिन पे पेड़ नहीं है वहाँ बर्फ गिरती है जहाँ पर पेड़ नहीं है देखो तभी थोड़े वाइट वाइट से रखे हैं वो सी यहाँ मतलब एकदम बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ हम गर्मी में मरे जाते थे आगरा में यहाँ सब लोग स्वेटर पहने हुए घूम रहे हैं यार स्वेटर जैकेट्स देखो ये देखो सब लोग स्वेटर वगैरह पहने हुए घूम रहे हैं देखो सब गर्म इनर वगैरह पहने बच्चों को स्वेटर पहना के रखा है फ्रेंड्स हम लोगों को लग रही थी भूख तो हम लोग आए एक रेस्टोरेंट पे हम दोनों पहले आके बैठ गए पहला स्ट्रेंट पराठे अपने साथ में अचार भी है यहाँ से बस हम लोग सब्जी लेंगे और खाना खाएंगे देखो मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाऊंगी देखो होटल का नज़ारा कितना सुंदर है यार ये रेस्टोरेंट से देखो ये एक गैलरी टाइप में है उधर से कितने मस्त पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं देखो आज क्या प्रोग्राम है मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग ऋषिकेश में चलेंगे तो ऋषिकेश में जाकर के जो वहाँ पर छोटू ने बताया था कि हमको यहाँ पर गीता धर्मशाला है उसमें जाकर के रुकना चाहिए घर में तुम्हारा क्या ख्याल है मम्मी ये सोच रही है कि हम कैंपिंग खोल आए हैं तो हम सही बात तरीके से बात करेंगे त्यागी इफ यू आर वॉचिंग देवकांत त्यागी इट मीन्स आपको अच्छा दिख रहा है तो आप ये इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कैसा हूँ किस स्थिति में हूँ और क्यों हूँ क्योंकि दिस इज देवकांत त्यागी आप एटीट्यूड स्टेटस मेरे चेक कर सकते हैं और जब हम ऋषिकेश जाएंगे तो हम लोग वहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से रुकना चाहिए भैया हमारी दीदी हमारा मजाक उड़ा रही है और ये हमारी वो हमारी बेगम और बेगम हम इनको इसलिए कहते हैं कि अगर हम इनको बेगम कहेंगे तो दुनिया बादशाह माने या नहीं माने लेकिन इनके बेगम कहने से ये हमें बादशाह जरूर तो गाइस आप हमारे ब्लॉग को देखिए एंटरटेन कीजिए क्योंकि हम आए हुए हैं मसूरी से 20-22 किलोमीटर नीचे कैंपटी फॉल और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं इसके बाद में हम आपको ऋषिकेश लेकर के चलेंगे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला राम झूला और हाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग वो है ऋषिकेश की गंगा शाम के समय वहाँ गंगा आरती ना इतनी डेडिकेट होती है और वर्ल्ड फेमस आरती है वो हम आपको दिखाएंगे और ये सब चीज़ दिखाने का जिम्मा गरिमा जी ब्लॉगर पे है मैं तो को होस्ट हूँ इनका बेटी हमारी गरिमा जी ब्लॉगर हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं आपको बहुत कुछ अच्छा दिखाने का और जब भी आप किसी यात्रा में आते हैं तो वहाँ पर आसानी से सुलभता से साधन आपको उपलब्ध कैसे हों ये भी हम पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं और 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है हमने अपने पिछले ब्लॉग में ये भी बताया है कि आपको किस घाट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से स्नान तो सोमवती अमावस्या के दिन आप वहाँ स्नान कर सकते हैं और यदि आपके पास समय है तो हमारी तरह आप मसूरी भी आ सकते हैं और कैंपटी फॉल में नहाने का आनंद ले सकते हैं कैंपटी फॉल में हमारी रोमांटिक वीडियोस देखने के लिए रोमांच से पूरी भरपूर चकाचक आप हमारी मौज एप्लीकेशन देवकांत हिंदुस्तानी गरिमा जिज सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं और बने रहिए आप हमारे साथ
क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मा जी जी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल, इट मीन्स आप कुछ अच्छा देख रहे हैं। ये देखिए अपने पराठे हैं, सलाद है, अचार है और ये सब्जी है। खाना अच्छा ना। अब अपन भी रख लेते हैं। ले तेरा पनीर अरे पड़ मारो खींच के अपना सर्व कर दिया ना बहुत है। हेलो फ्रेंड्स, ये शुरुआत हो रही है कैंपटी फॉल की। और इधर ये देखो, पता है यहाँ पर ना ट्रॉली का भी रास्ता है। हम लोग बाई स्टेयर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट आती है, तो उधर शॉपिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी इजीली होगा। देखते हैं क्या क्या मिलेगा। बाई ट्रॉली तो आपको डायरेक्ट वो कैंपटी फॉल पर ही उतारेगा। आपकी मर्जी, आप कैसे जाना चाहेंगे, बाय रोप वे और बाय स्टेज। तो हम लोग सीढ़ियों के रास्ते से जा रहे हैं। भाई ये फर्स्ट टाइम मेरे भाई ने खुद अपने हाथों से मुझे अपनाई है। तो दोस्तों, मसूरी की मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा मसूरी के कपड़े मिले, जहाँ पर आप अच्छे से मसूरी के कपड़े पहन करके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और जब तक आप कैंपटी फॉल से वापस लौट जाएंगे तब तक वो आपके आपके फ़ोटो तैयार मिलेंगे। और मसूरी टाइप के जो आदमी होते हैं वो टोपियाँ पहनते, थोड़ी कढ़ाई वाली, तो वो टोपियाँ भी थी यहाँ पर। पश्मीना शॉल्स थी क्योंकि बहुत ठंड होती है, इसलिए गर्म गर्म शॉल्स भी थी। बैंगल्स थे, ईयरिंग्स थे और काफ़ी नई नई एंड अलग अलग डिज़ाइन की यहाँ पर चीज़ें थी एंड लॉकेट्स वगैरह थे। उसके बाद ये मसाज मशीन और ये गेम और ये फिश आती है हमारी, छोटी छोटी काफ़ी लहर रही थी। और यहाँ पे पता है कैप्स के साथ फ़ोटो खिंचाने के भी 10 रुपये थे। और यहाँ पे क्लॉक्स और थोड़ा मतलब लकड़ी का सामान ज़्यादा था। और ये ऐसे कप्स थे और सर्विंग जार्स थे, प्लेट्स थी, तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। स्लीपर्स थी, हम सोच रहे थे ख़रीदने की लेकिन फिर अपने पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो गया स्लीपर्स का, इसलिए हमने ज़्यादा ये। अरे वाह, शूट आउट के लिए मैं करूँगी ये। चंद्र कुमार पापा, आप अपने इंस्टा से बनाओ, मैं इससे बनाऊँ। देख आराम से करियो। बोल दिया, तो बता दो मुझे। चल निशाना लगा के बोल दो। भैया ने बताया है, भैया लगा रहे हैं हमारे छोटे गुरु जी निशाना। अरे वाह वाह, दूसरी साइड है, यहाँ से राइट वाली, यहाँ से राइट वाली, यहाँ से ये कट भी ये देखना चाहिए, ये पैर की बीच पर। अरे आप लगाएंगे पैर में खाना नहीं, तुम लगाओ। गया। अरे वाह, अरे वाह, दोनों पिस्ता ले लो ना, दोनों नहीं दोनों की वाली हो जाएगी साथ में। क्या हो गए, दो पांच हो गए, ये पांच रह गए। हाँ चल ठीक है, लगा वाह वाह। पापा ही लगाएंगे, निशान लगाओ। वाह टॉप, एक बैग से 100 रुपए। ये कोई भी बैग छाटो 100 रुपए में, 100 रुपए में कोई सा भी बैग छाटो। ये देखो इयररिंग भाई साहब कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन कितने सुंदर भी लग रहे हैं ना, देखो पीछे रहा।
इतने सारे ये देखो। ये देखो सर्व करने के लिए भी चाहिए। ये देखो कटोरियाँ, इधर ट्रे में कटोरी। ये देखो कितनी मस्त टोकरियाँ हैं ना मम्मी। ये देखो टोकरियाँ कितनी मस्त है, इधर वाली, ये वाली, ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ अचार के लिए, सब्जी के लिए, कितनी सुंदर है। ये देखो कप, ये देखो ये ट्रॉली जा रही है। ये देखो ये ट्रॉली से आ जा सकते हो आप। और एक मिनट सर ना, ये देखो दूध की कैन, टोकरी। हम देखो हम कॉफी के कप ढूंढ रहे थे, ये रहे, अच्छे हैं ना। भारत सेम है, कैट भी आई है। वाह कप कितनी सुंदर है इधर, देखो सब लोग। मोस्टली यहाँ पर लकड़ी का ही आइटम है। अब मम्मी बेलन, बेलन अच्छे हैं ना, देखो ये वाला कितना सुंदर है, पतला पतला। ये क्या है, अच्छा ओह, ये देखो ये सर की मालिश के लिए, या वीडियोस में देखना काफ़ी आता है। ये देखो ऐसे करते हैं सर, देखो हाँ ऐसे करते हैं इसे, एकदम बहुत अच्छे से आराम मिलता है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ले लेंगे एक दुकान। कितने नीचे छोटे छोटे हैं, देखो कितने छोटे छोटे हैं नीचे और ऊपर बड़े बड़े हैं। ये कैसे डलेगा, अच्छा अच्छा कलर काफी सारे, डिजाइन सारे। देखो फ्रेंड्स ये हैं हम लोग कैंपटी फॉल में, और इधर ना बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे। मतलब कितनी भी गर्मी हो लेकिन उधर का पानी बहुत ठंडा था, अगर एक बार तुम पानी में से निकल गए ना तो थर थर कांपने लगोगे। और ये थोड़ा सा ना ब्लर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अपना मोबाइल ना पॉलीथिन में रखा था, और जो मतलब फ़ोन कवर्स आते हैं ना उसमें रखा हुआ था, और हम लोग ट्यूब्स में बैठ के इतने मज़े करें ना बहुत ही ज़्यादा। और नीचे इसके ना कंकड़ थे तो थोड़े पैरों में चुभ रहे थे, इसलिए ट्यूब पर बैठना ज़रूरी था। और इतनी तेज़ ऊपर से पानी आ रहा था ना कि सर पे ऐसा लग रहा था कि पत्थर गिर रहे हैं यार, बहुत ही तेज़ पानी आ रहा था। मैं सब लोगों की वीडियोस बनाने के बाद जो है उसमें गई थी, लेकिन मेरी बहुत ही कम वीडियोस बन पाई, 3-4 ही बन पाई, उनकी काफ़ी ज़्यादा बनाई मैंने, मम्मा पापा और ध्रुव की। और हम सब ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिए थे और बहुत ही मज़े आए थे और एक दूसरे के मुंह पर पानी डाल रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग इसी में रहें, कहीं जाए ही ना, क्योंकि हरिद्वार में तो गर्मी थी लेकिन यहाँ बहुत ही ठंडा था मसूरी में। और इतने ज़्यादा मज़े आए, मैं तो आपसे भी कहूँगी आप लोग भी इधर ज़रूर आना भाई, ज़रूर आना फ्रेंड्स। वहाँ हमने बहुत मज़े किए। और अगर आप अकेले ट्यूब पर बैठ के घूमते रहना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए आपके हाथ पैर तो किसी में मारने ही है, क्योंकि मेरा एक बार टच हो गया था गलती से, लेकिन रियली बहुत मज़े किए हमने। मसूरी के टॉप पर आकर के आप देख सकते हैं, ये राधा रेजिडेंसी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, कितना सुंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है। और इस समय हम मसूरी के टॉप पर, और ये आप देख सकते हैं ये सामने मसूरी है, और ये यहीं पर है मॉल रोड। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है बच्चे? देखो मेरे पत्थर आ रहे हैं। अरे पत्थर वानी जी नहीं फेंकना, ठंड भी बहुत लग रही है। आप जाली पकड़ के भी नीचे देख सकती हैं। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? डर लग रहा है तो मसूरी क्यों आई थी फिर आप? बहुत ऊंचा नीचा है।
ये खड़ी हमारी गाड़ी। फ्रेंड्स हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, वीडियोज़ वगैरह बनाई, काफ़ी चढ़ाई और उतरना उतरना काफ़ी मतलब हो गया था, तो इस वजह से हम लोग देखो चाय पी रहे हैं। फ्रेंड्स कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे ना, बहुत अच्छा लग रहा है, गरम गरम चाय पियो, ठंडे ठंडे मौसम का मजा लो।